मुरैना में नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉयमेंट एंड इंजीनियर्स के आह्वान पर मध्य प्रदेश पत्रोवादी अभियंता संघ द्वारा विद्युत वितरण कंपनी की इंजीनियर्स और एम्प्लॉयमेंट इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के विरोध में एक दिवसीय हड़ताल पर चले गए हैं। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में किए जा रहे बदलावों और प्रावधानों का बिजली कर्मचारी और इंजीनियर्स ने विरोध किया। ट्रेड यूनियन के आह्वान पर मुरैना में बैंक कर्मचारी भी हड़ताल पर रहे, जिनसे आम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि केंद्र सरकार को कई बार ट्रेड यूनियन के द्वारा लिखित में ज्ञापन दिए जा चुके हैं, बावजूद इसके उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया। इसको लेकर कर्मचारियों के विभिन्न संगठनों के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी एक्ट और बैंकों के मर्ज को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसमें बैंक कर्मचारी और विद्युत वितरण कंपनी के कर्मचारी और इंजीनियर ट्रेड यूनियन आज हड़ताल पर रही। ट्रेड यूनियन का कहना है कि उनकी 12 सूत्रीय मांगों को माना जाए। वहीं कर्मचारियों के हड़ताल पर रहने से उपभोक्ताओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। मुरैना से आईडी शर्मा की रिपोर्ट। राष्ट्रव्यापी कार्य बहिष्कार हड़ताल जो है नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ एनर्जी इंजीनियर्स एंड एम्प्लॉयज के तत्वावधान में किया जा रहा है, जिसमें हमारी प्रमुख मांगे जो प्राइवेटाइजेशन की तरफ धकेला जा रहा है विद्युत वितरण कंपनियों को, उसके लिए विरोध करना है। इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल लाया जा रहा है, इसमें प्राइवेट कंपनियों को सरकारी खर्चे पर लगाए गए इंफ्रास्ट्रक्चर पर प्राइवेट कंपनियों को बिजली बेचने का मौका दिया जाएगा, जिसमें सरकारी पैसा लगेगा। और हमारे लगातार कम होते कर्मचारियों के कारण हमारा कार्य प्रभावित हो रहा है, हमें बदनाम किया जा रहा है कि हम कार्य नहीं कर रहे हैं। वास्तविक स्थिति यह है कि कर्मचारियों की भारी संख्या में कमी है और कर्मचारी भर्ती नहीं की जा रही है। 8 जनवरी को जो UFU है, यूनाइटेड बैंक ऑफ फेडरेशन है, उसके कुछ 5 घटकों ने अपनी मांगों को लेके स्ट्राइक पे गई है, जिसमें मेन उनकी जो डिमांड है वो गवर्नमेंट के द्वारा जो बैंकों का मर्जर किया जा रहा है, जो लॉस मेकिंग बैंक्स हैं उनको दूसरी बैंक्स में मर्जर किया जा रहा है, उसको लेके मेन डिमांड यही है। वैसे उनका जो चार्टर ऑफ डिमांड है 12 पॉइंट है, उसमें एक तो ये मर्जर का है मेन, उसके बाद उनका दूसरा जो डिमांड है वो आपकी जो एंटी लेबर पॉलिसीज हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उसको लेके भी स्ट्राइक पे हैं। दूसरा जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं बैंकों के अलावा, जो BSNL है, जो MPB वगैरह हैं, वो उनके एसोसिएशन भी स्ट्राइक पे हैं। वो जो अभी VRS का भी विरोध कर रहे हैं, जो VRS के लिए अप्लाई किया है।